नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां एक जगह पे बम विस्फोट हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से बम विस्फोट हुआ है। जो घर है उसकी छत उड़ गई है, पतली सी गली में जो घर है उसका छत उड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो घटना है राजधानी पटना दानापुर स्थित है, वहाँ की ये घटना आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ जो घटना घटी है वो कितना दर्दनाक हो सकता है। हालांकि घटना के बाद जो है वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची है। बता दें आपको कि राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ दानापुर में घर में बम विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट होने से पूरा इलाका थर्रा गया है, आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे हैं। घटना दानापुर थाने के जन अधिकार स्कूल के पास की है। इस बम विस्फोट की घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, दोनों को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस वहां पहुंच चुकी है। विस्फोट कैसे हुआ यह पता नहीं चल सका है। फिलहाल कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जब बम विस्फोट हुआ तो वहां आसपास जितने भी लोग थे सभी लोग इधर उधर भागने लगे और तमाम जो वहां पर जो कई जो दो जो जख्मी महिला हैं, एक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला के सर पे भी चोट आया है। आपको बता दें कि जब घटना घटी तो वहां पर तमाम लोग जो है भागने लगे इधर उधर। और ये घटना दानापुर यानी राजधानी पटना दानापुर स्थित जन अधिकार स्कूल है, वहीं पर ये घटना घटी है, जिसके बाद से जो तमाम इलाके हैं वहाँ जो है थरथराहट, तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी डर गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर है, पतली सी गली में घर नज़र आ रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, और उसकी छत किस तरीके से उड़ा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना धमाकेदार हुआ होगा। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर आसपास में जो लोग थे वो काफ़ी डर गए, और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। हालांकि फिलहाल अब तक की हम जो जानकारी है उसके अनुसार यह पता नहीं चला है कि बम विस्फोट कैसे हुआ है, लेकिन पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है और जो लोग घायल हुए हैं उसको अस्पताल भी पहुंचाया गया है। छोड़े जाते हैं आपको पीरो वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा वास्ता सर दम